हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग आप लोगों के दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं। आज इसी तरह गाइस, मैं आप लोगों के वेस्ट दिल्ली के अंदर सुंदर विहार के अंदर आप लोगों के लिए एक रेजिडेंशियल ऑप्शन लेके आया हूँ, जो कि गाइस एक मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, लोकेशन वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज काफी एक अच्छी यूनिट रहने वाली है। प्रोजेक्ट की अगर मैं आपसे डिटेल्स की बात कर लूँ गाइस, एक नॉर्थ फेसिंग हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। 250 गज का गाइस ये हमारा मतलब फ्लोर है, जिसमें अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ, हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर की अवेलेबिलिटी रहने वाली है। अभी प्रोजेक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन फेज पे मतलब फिनिशिंग पे आ रहा है, इसमें काम फाइनल टच पे आ रहा है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज की पोजीशन को। बाकी बिना किसी वेट के गाइस ये हम यूनिट स्टार्ट करते हैं, मतलब डिसेंट एक अच्छा प्रोजेक्ट रहने वाला है ये। तो बिना किसी वेट के हम आपको प्रोजेक्ट की मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दिखाता हूँ, वीडियो शॉप करता हूँ, एंड में बात करेंगे गाइस प्राइसिंग वगैरह की एंड क्या पूरी डिटेल्स रहती है। टिल देन बने रहे वीडियो। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, एंड अगर मैं आपको रोड की बताऊँ, ये हमारी प्रॉपर रोड रहेगी जो कि काफ़ी वाइड रहने वाली है। सामने पार्क रहने वाला है, एंड नॉर्थ फेसिंग ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ आपसे, अपर ग्राउंड फ्लोर की अवेलेबिलिटी रहेगी। अब नीचे की बात कर लूँ पार्किंग की, तो आप बेसिकली देख सकते हैं हमारी कार पार्किंग रहेगी, प्रॉपर स्टिल्ट पार्किंग, एंड 250 गज का गाइस ये हमारा फ्लैट फ्लोर रहने वाला है, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं काफ़ी अच्छा खासा काम होना है अभी, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब अंदर काम चल रहा है, प्रॉपर फिनिशिंग अब स्टेज पे है। ब्रांड की लिफ्ट लग चुकी है, स्टेयर केस एरिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो काफ़ी अच्छा खासा साइज मिलता है 250 गज के हिसाब से। बेसिकली आपकी अपर ग्राउंड फ्लोर की एंट्री हो जाती है, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारी लिफ्ट वर्किंग है, अभी स्टार्ट हो चुकी है, होटेस की लिफ्ट है, तो मैं उसको ओपन होती है, मैं अभी दिखाता हूँ एक बार आपको। एंड साथ ही साथ तब तक मैं अगर आपको शेयर केस एरिया दिखाऊँ, 250 गज का हमारा फ्लोर है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे साइज़ की आपको शेयर मिलती है। नक्शे वाइज गाइज एक अच्छी खासी यूनिट रहने वाली है ये, जिसके अंदर मतलब आपको काफ़ी स्पेशियस मिलता है। अभी हम आपको अंदर लेके चलूँगा, उससे पहले अगर मैं आपको लिफ्ट दिखा दूँ गाइज, यहाँ देख सकते हैं हमारी लिफ्ट रहने वाली है, कैपेसिटी देख लो गाइज 408 केजी की रहने वाली है 6 लोगों की, एंड ब्रांड की प्रॉपर लिफ्ट है, जो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मतलब पत्थर का पैटर्न है काफ़ी यूनिक एंड मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंट्री करते ही गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी एक हैवी बिल्ड का आपको डोर मिल जाएगा। प्रोजेक्ट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा, तो थोड़ा सा जैसे जैसे बन जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा लुक निकल के आएगा। तो आप ये देख सकते हैं हैवी बिल्ड का डोर रहने वाला, अभी काम चल रहा है। एंट्री करते ही गाइस ये आप देखो, ऊपर फॉल सीलिंग का काम है, एंड ये हमारे दो रूम्स रहेंगे, ये हमारा एक और रूम रहेगा, ये आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रखा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ से देखें गाइस, अभी साइड लाइट्स ऑन भी नहीं है क्योंकि काम हो रहा है। तो बेसिकली पहले तो वहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिल जाता है, जो ये पैटर्न में इन्होंने ड्राइंग रूम लॉबी में किया है, काफ़ी अच्छा एंड यूनिक लगेगा। एक चीज़ का स्विच आपके यहाँ पे हर जगह मिलते हैं, एंड प्रॉपर एक स्पेस आपको, जैसे अगर आपको कोई पेंटिंग वगैरह लगानी है, वो काफ़ी यूनिक एंड एलिगेंट लगेगी ये चीज़। टीवी पैनल आपको यहाँ पे मिलता है, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गाइस, क्लब रोड प्रॉपर्टीज पंजाबी बाग का नंबर शो अप हो रहा होगा, आप एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें। एंड ऊपर की लाइट्स का आप देख सकते हैं, आपको फॉल सीलिंग का काम भी काफ़ी प्यारा हो रखा है, बट इसका जो एंड रिजल्ट होगा ना, जैसे जैसे साइट बन जाएगी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम पहले रूम से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेसिकली ये आपका, जैसे ये आपका डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल प्रॉपर आप यहाँ पे एरिया सेटअप कर सकते हैं। स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको यहाँ भी मिलता है, लाइट्स प्रॉपर लग रही है, काम चल रहा है फुल स्विंग पे। एंड अगर आप ये देखेंगे तो ये बेसिकली हमारा किचन रहेगी, अभी काम चल रहा है, प्रॉपर पैनलिंग हुई। अगर आप देखोगे डबल सिंक आपको मिलते हैं, UPVC का वर्क आपको मिलता है, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू साइट में कोई भी कमी नहीं है, अच्छी खासी है। नॉर्थ फेसिंग गाइस ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गाइस आपका पूरा भी फ्रिज लगेगा, अपर ग्राउंड फ्लोर की अवेलेबिलिटी रहेगी गाइस इस यूनिट के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ से चले तो ये पहले हमारा किचन है, अभी ना किचन थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगा, मैं कैबिनेट्स भी खोल के दिखाऊंगा तो भी खुलेंगे नहीं, क्योंकि मतलब काम हो रहा है ना, तो एग्जैक्ट जब चीज बनेगी ना तब आपको काफी प्यारा व्यू आएगा। देख सकते हैं क्या वुड वर्क अच्छा है, कैबिनेट्स का स्पेस काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है, आपको यहाँ पे प्रॉपर बड़े से बड़ा फ्रिज यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड
एंट्री पे गाइज अगर आपको देखो पत्थर का वर्क काफी एक अच्छी लुक देगा, जैसे जैसे ही पेंट वगैरह हो जाएगा फाइनल टच पे आपकी चीज आएगी। रूम की तरफ चलते हैं, मैं आपको पहले रूम दिखा देता हूँ। एंट्री पे गाइज काफी एक खुला आपको वाइट डोर मिल जाता है जिसके ऊपर वर्क अच्छा हो रखा है। एंड अगर मैं दिखाऊं डोर की बिल्ड भी काफी मतलब है अच्छी, लाइट्स प्रॉपर, अभी रात का टाइम हो चुका तो थोड़ा सा अंधेरा है यूनिट में, बट चीज अच्छी खासी लग रही है ये। आपको देखो यहाँ पे आपको वार्डरोब एरिया रहेगा पूरा का पूरा, एंड इस रूम के साथ आपको टीवी पैनल भी, अगर आप देखो टीवी पैनल भी अटैच मिलता है। बिल्डर ने किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिस तरीके से काम हो रखा है, अगर मैं आपको अंदर भी दिखाऊं वॉशरूम में तो मतलब टाइल वर्क काफी अच्छा खास हो रहा है, स्पेशियस है भाई, बहुत तगड़ा स्पेस आप देख सकते हो, काफी स्पेशियस है। होता ना कॉम्पैक्ट, थोड़ा ड्राइंग रूम बड़ा कर दिया बट वॉशरूम कॉम्पैक्ट कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इस यूनिट के अंदर। स्पेस का मतलब बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन कर रखा है। अभी यहाँ पे प्रॉपर आपके सेंट्री वर्क होगा, ब्रांड अच्छा खासा काम हो रहा है भाई कंपनी का आप देख सकते हो, एंड अभी मतलब सारी प्रॉपर सेंट्री वर्क होना है बारीकूम में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीवीसी का वर्क हो रखा है, अच्छी खासी बड़े साइज की आपको विंडोज मिलती हैं जिससे वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई ऐसा इशू आएगा नहीं। अगर मैं आपको गाइस ये दिखा दूं एरिया, तो ये आपको दूसरे रूम से भी कनेक्टेड मिलता है। इसका क्या बेनिफिट है, पहली बात तो दोनों रूम्स एक्सेस कर सकते हैं, ये बेसिकली आपका एज अ वॉशिंग एरिया यूज हो जाएगा। एंड मतलब इससे ना वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस रूम से हो एंड आपको बेसिकली ये आपको खोलना, वहां से मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, तो आप जाली वाला खोल सकते हो, शीशा वाला बंद कर सकते हो, हटा दो तो। एंड पीछे आपकी सर्विस लाइन रहेगी, नॉर्थ फेसिंग गाइज ये यूनिट है। स्क्रीन पे गाइज आपको नंबर शो अप हो रहा है, आप एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि ये जो हमारे पास यूनिट्स है लिमिटेड यूनिट्स रहती हैं, ठीक है। एंड मतलब अच्छे खासी मतलब एक सेल्फ यूज के लिए देखा जाए आप, या आप एज ए इन्वेस्टर भी लेना चाहते हो तो आप इस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हो, और भी हमारे पास ऑप्शंस है। स्क्रीन पे नंबर दिया गया, आप फटाफट कॉन्टैक्ट करें। अगर मैं आपको दूसरे रूम की तरफ लेके चलूँ तो बेसिकली ये रूम रहता है, एंड ऊपर भी लाइट्स वर्क हो रहा है पूरा, मतलब एक ही चीज़ टीवी पैनल आपको यहाँ पे भी मिलता है, मतलब बिल्डर ने किसी भी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हर रूम के अंदर उन्होंने आपको टीवी पैनल प्रोवाइड किया। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इन्होंने मतलब एग्जैक्ट, अगर मैं आप थोड़ा सा पहले अंदर बाहर चलते हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने ड्राइंग रूम तक के अंदर आपको टीवी पैनल दिया है, किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हर जगह आपको एक एक चीज़ लगा के दी है। रूम के अंदर वापस आ जाएगा इस रूम के साथ भी आपको वॉशरूम कनेक्टेड मिलेगा, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसी मैंने आपको दिखाया प्रॉपर आपको बैक एरिया का मतलब एक्सेस मिलेगा वॉशिंग एरिया का। ये आपकी प्रॉपर वार्डरोब एरिया रहेगा, एंड ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम का अगर मैं आपको साइज देखो, अभी काम चल रहा है तो ना काफी मतलब स्पेस का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया है, कि कोई भी मतलब बाहर अगर आप रूम से बाहर दे दो तो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता, बट उन्होंने वॉशरूम जो रूम के साथ एक्सेस देके काफी एक चीज इजी कर दी है। यहाँ पे काफी खुले रूम्स है गाइस, कैमरा ना चीजें जस्टिफाई नहीं करता, जब आप विजिट करोगे तो आपको चीज ज्यादा अच्छे से बेटर दिखेगी। एंड जैसे मैंने आपको स्पेस दिखाया, आप प्रॉपर इसको यहाँ पे एज अ डाइनिंग टेबल वगैरह आप लगा सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, एंड प्रॉपर बड़े से बड़ा गाइस आप सोफा यहाँ पे लगा सकते हैं। किचन हमारी ये हो गई, अब हम चलते हैं गाइस फ्रंट की तरफ। दो रूम्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, रूम नंबर वन रूम नंबर टू, ओके। एंड तो बेसिकली अगर हम इस यहाँ पे आते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आप ये वॉशरूम देख लेंगे, या सर गेस्ट वॉशरूम आप यूज कर सकते हैं, कि अगर आपको बेसिकली किसी को रूम में नहीं आने देना बट उसको वॉशरूम जाना, तो बेसिकली ये उस तरीके से यूज हो जाएगा। गेस्ट वॉशरूम आज की डेट में एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहता है, होना चाहिए, जब होता तो काफी चीजें ईजी हो जाती हैं। इस रूम की तरफ चलते हैं, जो हम रूम नंबर थर्ड को कंसिडर कर लेते हैं। इस रूम के अंदर आते ही गई सबसे बड़ी बात, काफी मतलब वार्डरोब काफी अच्छा स्पेस मिलेगा, काम चल रहा है, सारा काम सामान पड़ा है, काफी वाइड बालकनी है, वो आपको मैं एंड में दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको इस अभी लॉक्ड है ये, तो यहाँ पे भी वॉशरूम रहेगा बेसिकली गाइस, आप देख सकते हैं। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन फेज पे मतलब फिनिशिंग पे अब आएगा, काम होगा धीरे धीरे, चल रहा है। ये बेसिकली आपकी इतनी वाइड बालकनी रहेगी ना, एंड जो कॉन्सेप्ट पे बिल्डर ने लाइट्स का यूज किया है काफी एलिगेंट लग रहा है। सामने देख सकते हो गाइस आपका प्रॉपर रहेगा पार्क, तो बेसिकली अभी हम लोग चलते हैं अपने लास्ट वॉशरूम की तरफ।
लास्ट मतलब ये वॉशरूम नहीं है, मतलब बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारा प्रॉपर गेस्ट वॉशरूम है। लास्ट रूम की तरफ गाइज अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, अभी ना काम बिल्कुल ही जैसे रॉ पड़ा है तो ऐसे लग रहा है कि नक्शा क्या, बट जब आप विजिट करोगे तो चीज़ आपको दिखेगी कि भाई कुछ अच्छा है। यूपीवीसी का वर्क यहाँ पे हो रखा है, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको चीज़ मिलती है एंड यहाँ पे भी आपको टीवी पैनल मिलता है, मतलब हर रूम के अंदर गाइज आपको टीवी पैनल प्रोवाइडेड है, साथ में हर वॉशरूम आपको हर जगह कनेक्टेड मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखो वार्डरोब एरिया आपको पूरा मिलता है एंड यहाँ पे अगर आ जाओ तो आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा हमारा वॉशरूम रहेगा जिसका काफ़ी बड़ा स्पेस है, अगर लाइट्स जगेंगी हाँ जी तो आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे भी छोटी सी ताकि एग्जॉस्ट वगैरह आप लगा देंगे यहाँ पे एंड काफ़ी जो टाइल वर्क हो रहा था काफ़ी प्यारा पैटर्न है डोर की बिल्ड, एक एक चीज गाइस बिल्डर ने ना सोच समझ के किया है एंड अच्छी लग रही है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है ये। एंड अब यहाँ इस रूम से भी आपको एक्सेस मिलता है बालकनी का एंड उस रूम से भी आपको एक्सेस मिलता है बालकनी का, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये तो ये आप देख सकते हैं ये आपको प्रॉपर आपको आपकी मिलती है नीचे की, बाकी इतनी वाइड बालकनी के साथ गाइस ये प्रोजेक्ट है तो कुछ अच्छा ही है। नीचे जो आपकी सोसाइटी काफ़ी मतलब गेटेड सोसाइटी है, पार्क फेसिंग नॉर्थ साइड का आपके मतलब हमारा प्रोजेक्ट है नॉर्थ फेसिंग, काफ़ी मतलब अच्छा हो रहा है, मैं इस चीज़ में यही बोलूँगा लाइट्स का वर्क जो आज के डेट में लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जिससे थोड़ा सा ना और एलिगेंट लगता है यूनिट, वो सब हो रखा है। कि अब हम चलते हैं गाइस यूनिट के अंदर, बात करते हैं डिटेल्स। बेसिकली जो आज का हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स देता हूँ, सुंदर विहार के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है जो कि अगर मैं साइज बताऊँ 250 गज का ये हमारा मतलब हमारा साइज रहने वाला फ्लोर का, जिसके अंदर गाइस अभी आपको अपर ग्राउंड फ्लोर की अवेलेबिलिटी है। नॉर्थ फेसिंग गाइस ये हमारी यूनिट रहने वाली है जो कि अभी ना लाइक अभी काम चल रहा है, यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा, महीना दो महीना तीन महीने तक का, इसके अंदर हम आपको पूरी की पूरी पोजीशन प्रोवाइड करा देंगे। बेस्ट बात ये पार्क फेसिंग ये हमारी यूनिट है गेटेड सोसाइटी के अंदर एंड बेस्ट रेट्स हम आपको मिलेंगे। बेस्ट रेट्स के लिए गाइस अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो क्लब रोड प्रॉपर्टीज पंजाबीबाग में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी की पूरी डिटेल्स है। बाकी गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बाकी मिलूंगा मैं आपको ऐसे किसी नई प्रोजेक्ट के साथ किसी नई वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखें, बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा, बाय बाय।